तो ये तीसरा लेक्चर है मैकेनिकल मेटलर्जी पे। हमने पहले लेक्चर में स्ट्रेस स्ट्रेन को देखा था, दूसरे में कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस को हमने देखा था, और हमने प्लेन स्ट्रेन और प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस इनको भी देखा था, मोहर सर्कल की कंस्ट्रक्शन देखी थी। आज हम देखेंगे कि डक्टाइल मटेरियल फेल कैसे होते हैं। बेसिकली फेल कैसे होते हैं का मतलब यील्डिंग क्राइटेरिया क्या है इनका, वो कब वो कंडीशन आती है कि मटेरियल यील्ड कर जाए। तो जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स हैं, बेसिकली हम दूसरे लफ्जों में हम ये कह रहे हैं कि गेटिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स टू प्रेडिक्ट द ऑनसेट ऑफ यील्डिंग। मतलब इलास्टिक में तो आसान है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है। लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू होती है तो फिर वो लीनियर रिलेशनशिप बाकी नहीं रहती। तो अब यहाँ पे मटेरियल यील्ड कैसे करेगा, कब करेगा, उसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो, ये सवाल है जो जो आज के लेक्चर में एड्रेस करना है। तो यूनिएक्सियल लोडिंग से हम वाकिफ हैं। हम एग्जांपल को लेते हैं और टेंसाइल टेस्ट मशीन में डाला, सीधा खींच लिया और हमने कहा कि जब यील्ड स्ट्रेस रीच हुई तो मटेरियल यील्ड कर गया। तो यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट में ये चीज हम इससे गुजर चुके हैं और ये चीज समझ भी आती है और आसान है कि हम स्ट्रेंथ फाइंड कर लें मटेरियल के सिंपल टेंशन टेस्ट में। और अगर डक्टाइल मटेरियल है तो हम कह दें कि यील्डिंग उसकी कब हुई थी। ब्रिटल में ये यील्डिंग होती नहीं, तो मटेरियल बस वो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती और मटेरियल फेल हो जाता है। तो वहां पे हम यूटीएस ले सकते हैं, लेते हैं हम, उसूल यही है कि वो लेते हैं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है। ये जो कंपोनेंट है ये एक कंपाउंड बो का राइजर है, मतलब अगर इसको खींच के और इसको स्ट्रेस कंडीशन में बो को लेके आए तो ये बेंड होगी, और जब ये बेंड होगी तो फिर किसी भी एक सेगमेंट पे इसके सिंपल यूनिएक्सियल लोडिंग को लगाकर और मसले को हल नहीं किया जा सकता। दूसरे लफ्जों में आप ये समझ लीजिए कि टेंसाइल टेस्ट सैंपल हम कर रहे हैं, हमने बीच में एक स्ट्रेन गेज लगा दिया। अब स्ट्रेन गेज क्या कर रहा है, स्ट्रेन गेज को हम जिस डायरेक्शन में लगाते हैं वो डायरेक्शन है जिसमें मटेरियल खिंच रहा होता है। अगर यही गेज में 90 डिग्री रोटेट करके लगा दूं तो वैल्यू वो नहीं देगा। ये अब ये गेज मुझे वो वैल्यू नहीं देगा। दूसरे लफ्जों में अभी क्या देगा, अभी मुझे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेंशन चेंज हो रही है उनको बताएगा। दूसरे लफ्जों में जिस डायरेक्शन में गेज लगाऊंगा वो एक अलग मुझे वैल्यू देगा एक्सटेंशन की, स्ट्रेन की। और स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस रिलेटेड है, स्ट्रेस का मेजर जो है वो स्ट्रेन है। तो हम ये कह रहे हैं कि मटेरियल में मुख्तलिफ डायरेक्शंस में स्ट्रेसेस मुख्तलिफ लग रही होती हैं, और अगर एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेस फील्ड, स्ट्रेस ज्योमेट्री हो तो फिर हम कैसे पता करें कि मटेरियल यील्ड कब होगा। विल यूनिडायरेक्शनल यील्ड स्ट्रेस बी सफिशिएंट टू डिफाइन द फेलियर। इन मोस्ट केसेस comparing stresses in different directions with uniaxial yield stress is not enough. मतलब हमने एक direction में material को खींच के yield stress निकाल ली, अब उसको हम कोई अलग direction ली उसकी yield देख ली, तीसरी direction ली उसमें जो stress लग रही है उससे compare कर लिया, तो in most cases it doesn't work. यहाँ मिसाल एक है एक और component की,
ये इंजन है और इसमें ये F3 फोर्स, F2 फोर्स, F1 फोर्स, ये टॉर्क, तो ये कंबाइंड स्ट्रेसेस की एक कंडीशन है। तो लॉजिक तो ये कहती है कि इन सारी स्ट्रेसेस का कोई ना कोई अपना इम्पैक्ट होगा, हर स्ट्रेस का एक इम्पैक्ट होगा इस कंपोनेंट की यील्डिंग में। जिस भी सरफेस से, जिस भी डायरेक्शन में मटेरियल यील्ड करेगा, उस डायरेक्शन में ये हर फोर्स इनमें से कोई ना कोई एक रोल प्ले करेगी उसकी यील्ड के अंदर। ठीक, तो यील्ड इन ए बॉडी अंदर थ्री डायमेंशनल स्टेट्स ऑफ स्ट्रेस। अब इसके लिए कोई ऐसी थ्योरेटिकल रिलेशनशिप मौजूद नहीं है कि मैं यूनिडायरेक्शनल टेस्ट करूं और उससे मैं ये 3D स्टेट को मैं एक्सप्लेन कर दूं। फिलहाल कोई ऐसी थ्योरेटिकल रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। तो अंजाम क्या है? अंजाम है फिर एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स। ठीक है, एक ऑप्शन ये था कि हम इसके सिग्मा वन यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लें और हम ये कहें कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस लग रही है, वो जिस डायरेक्शन में भी लग रही होगी वो यील्ड से ज्यादा अगर होगी तो मटेरियल फेल हो जाएगा। तो ये भी थ्योरी थी, इट्स कॉल्ड नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, और ये भी इस्तेमाल होती रही। बट एक्सपीरियंस शोड दैट इन मोस्ट केसेस दिस अजम्पशन डिड नॉट वर्क। ठीक है ना, मेजॉरिटी केसेस में ये काम नहीं करती ये थ्योरी। जो एक बुनियादी शर्त है वो ये है कि जो भी आप एम्पिरिकल रिलेशनशिप डेवलप करें उसकी बुनियादी शर्त क्या है? बुनियादी शर्त उसकी ये है कि जो हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको उसको जस्टिफाई करना चाहिए। जो कुछ हम एक्चुअल जिंदगी में देख रहे हैं वो उन पर फिट आनी चाहिए, तब उस एम्पिरिकल के कुछ मायने हैं। और जो चीज कंसिस्टेंटली एक ऑब्जर्वेशन है, मेन ऑब्जर्वेशन है, वो क्या है? वो ये है कि जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं उनसे यील्ड नहीं होती। मेन ऑब्जर्वेशन ये है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डज नॉट कॉज यील्डिंग। ठीक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डज नॉट कॉज यील्डिंग। और अगर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेसेस लग रही हैं तो उसमें एक हाइड्रोस्टैटिक उसका एक पार्ट है जो लग रहा है और एक उसका नॉन हाइड्रोस्टैटिक पार्ट है जिसको कहते हैं स्ट्रेस डिविएटर। तो जो एटलीस्ट ये कि अगर एक कॉम्प्लेक्स किस्म की स्ट्रेस सिचुएशन है तो उसमें से हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट जो है उसका कोई अमल दखल यील्डिंग में नहीं होता, और जो बाकी पार्ट है जिसको स्ट्रेस डिविएटर कहते हैं बेसिकली अमल दखल उसका होता है। दो पॉपुलर थ्योरीज हैं, कौन सी? वॉन मिसिस और ट्रेस्का, आउट ऑफ सो मेनी विच फॉर प्रपोज्ड, और इसमें वॉन मिसिस इज मोर सोफिस्टिकेटेड अप्रोच। किस सवाल के जवाब के लिए? कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल्स। ठीक, और ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली ये बेस्ड है ऑन माइक्रो मैकेनिक्स के एटम्स कैसे स्लिप करते हैं, क्रिस्टल लैटिस ग्रेन बाउंड्रीज कैसे मूव करती हैं, तो ये उनकी बेस के ऊपर है। दूसरे लफ्जों में हम क्या कह रहे हैं कि ये बेस करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे नहीं, बल्कि उन प्रेशर पे जो स्लिप क्रिएट करती है, शेयर स्ट्रेसेस। अब ये थ्योरीज जो है एक बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट है, और वो है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को निकालना। पहले कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस यूजिंग मोर्स मॉडल। ठीक है, कि हम मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस निकाल लें। 2D में प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में हम सिग्मा वन और सिग्मा टू निकाल लें। ठीक, तो एक थ्योरी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की वो तो सिर्फ ये थी कि अगर मैंने सिग्मा वन और सिग्मा टू निकाल लिया, ठीक है ना, ये मेरे पास एक प्लेन है जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने सिग्मा वन मैं प्लॉट कर रहा हूं और वर्टिकल एक्सिस पे सिग्मा टू। सिग्मा वन क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस,
सिग्मा टू क्या है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकती है इनकी वैल्यूज, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, और हमने क्या किया, इनके ऊपर यील्ड स्ट्रेस को मार्क कर दिया। तो एज लॉन्ग एज मेरे जो जो सिग्मा वन है यील्ड स्ट्रेस से कम है और सिग्मा टू जो है वो यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा है, यानी मिनिमम जो है वो सिग्मा वाई सिग्मा यील्ड मिनिमम से कम नहीं है और मैक्सिमम जो है सिग्मा यील्ड से ज्यादा नहीं है। सिंपलेस्ट मॉडल ये कहता था कि सिग्मा वन से अगर ज्यादा होगा यील्ड, सिग्मा वन यील्ड से ज्यादा होगा तो फेल हो जाएगा, या अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है और सिग्मा टू कम होगा सिग्मा वाई की मिनिमम से, सिग्मा टू जो मिनिमम वैल्यू है इससे कम होगी तब भी मटेरियल फेल हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने ये कहा कि ये चीज जो है इसने बहुत सी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं करती, सिंपल नॉर्मल स्ट्रेसेस को कंपेयर करना, जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं इनको कंपेयर करना डज नॉट एक्सप्लेन। तो देन वी कम टू ट्रेस्का एंड वॉन मिसेस, ठीक है, ये दो थ्योरीज हैं। स्टार्टिंग विथ ट्रेस्का, प्लॉट हमारा वही है सिग्मा वन सिग्मा टू का प्लॉट, और इसमें जो ट्रेस्का है वो क्या कहता है, ट्रेस्का ये कहता है कि हम ऐसा हेक्सागोनल एक फिगर बना लें, ये हेक्सागोनल फिगर है, और वो ये ट्रेस्का ये कहता है कि एज लॉन्ग एज वी आर विदिन दिस फिगर, एज लॉन्ग एज जो हमारे पास एक्चुअल स्ट्रेस लग रही है, जो एक्चुअल स्ट्रेस लग रही है वो इसके अंदर है तो वी आर सेफ, और इसके अगर बाहर है तो देन वी आर नॉट सेफ, मटेरियल फेल हो जाएगा। एज लॉन्ग एज द कैलकुलेटेड स्ट्रेसेस आर विद इन द पॉलीहेड्रन, या ये हेक्सागन है ये, इट इज सेफ। अच्छा, ये है क्या चीज, ये बेसिकली है सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। देखिए यहां से भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, हम यहाँ सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यू नहीं ले रहे, हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं, हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं। अगर वैल्यू लेते तो हाइड्रोस्टैटिक होता, और अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो ये शेयर है। अब ये डिविएटर है, ये स्ट्रेस डिविएटर वाला कंपोनेंट है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का। स्ट्रेस का क्राइटेरिया जो है वो बेसिकली ये सिंपल सा, वॉन मिसेस गोज वन स्टेप अहेड, और वो इस किस्म का एलिप्स बनाता है, इट इज एन एलिप्स जो कि गुजरता है कौन से पॉइंट से, ये माइनस सिग्मा वाई और प्लस सिग्मा वाई के पॉइंट्स को वो टच करता है। और वॉन मिसेस ये कहता है कि एज लॉन्ग एज हमारी जो स्ट्रेसेस कैलकुलेट हुई है वो इस एलिप्स के अंदर है तो देन वी आर सेफ। तो ये क्या है, ये ट्रेस्का वाला थोड़ा सा कंजर्वेटिव था, इसने इतनी स्ट्रेसेस और अलाउ कर दी। अब यहाँ पर भी एज पर वॉन मिसेस अगर इन जगहों पे तब भी हम सेफ हैं, ट्रेस्का कहता था हम इससे बाहर होंगे तो अनसेफ हैं। तो ये डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इसको लिवरेज मिली है इसमें, ठीक। अगर हम इसको कैलकुलेट करें इसकी इक्वेशन को तो ये इक्वेशन आती है, ये है 2D में, या सिग्मा वन और सिग्मा टू है, ठीक है ना, ये 2D में है। अगर मैं इसको एक्सपैंड कर लूं फॉर 3D तो फिर ये क्या होगा, ये भी फिर डिफरेंसेस इन स्ट्रेसेस हो जाएंगे, वो भी हम करके देख लेते हैं। वॉन मिसेस क्या कहते हैं, वॉन मिसेस ये कहते हैं कि यील्ड विद नॉट अकर इफ वॉन मिसेस स्ट्रेस, जो कि यहां से कैलकुलेट हो रही है, इज लेस देन यील्ड स्ट्रेस, यानी दूसरे लफ्जों में we are within this ellipse, if we lie within the ellipse then we are safe, aur agar hum iske outside hain then failure will occur, theek। implication kya hai, iske maine kya hai, yielding is not dependent on any particular normal or shear stress। इस क्राइटेरिया का मतलब ये है कि यील्डिंग जो है किसी एक नॉर्मल स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं कर रही। जैसे मैंने कहा कि हमने इसको 2D में लिया है, इसको अगर मैं 3D में लिखूंगा तो मेरे पास ये क्वेश्चन आएगी, दूसरे लफ्जों में सिग्मा सिग्मा 3 को मैं जीरो कर दूं तो आई विल बैक
गो बैक टू दिस इक्वेशन, अगर इसके हम कंप्लीटली कंप्लीट फॉर्म में देखें इस इक्वेशन को, तो ये भी क्या कह रही है, इट इज डिफरेंसेस ऑफ स्ट्रेसेस, सॉरी ये सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू है, ये दिस शुड बी टू, शुड बी सिग्मा टू, yielding will depend on all the values of principal here sharing stresses. जब मैं principal stress ले रहा हूँ तो इसमें share जो होगा वो already zero है. Principal stresses जब लग रही होती हैं तो वो condition होती है जिसपे उन planes की share zero होती है. तो share इसके अंदर embedded है. Since yield criteria is based on differences of normal stresses, ठीक? डिफरेंस इन नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब ये कि हाइड्रोस्टैटिक पार्ट जो है वो सही इंडिपेंडेंट है इक्वेशन ये. फिजिकल मीनिंग यही है कि वॉन मिसेस प्रपोज द क्राइटेरिया कंसीडरिंग इट्स मैथमेटिकल सिंपलिसिटी. वॉन मिसेस को नहीं पता थी ये चीज है, उसने जो डेवलप किया वो एक मैथमेटिकल सिंपलिसिटी थी, उसने इस फॉर्म में लिख दिया. उसके कई साल के बाद पीपल जब लोगों ने ये देखा, it explains most of the phenomena, or in most cases mein, yeah, almost all cases mein, this criteria works very well. So then they started looking for its meaning, or then they come to the concept that yielding occurs when distortion energy reaches a critical value. Theek hai na? Distortion energy. From here comes the distortion energy theory. Distortion energy ka kya matlab hai? हम जो किसी भी बॉडी पे अगर कोई ताकत लगाते हैं मुख्तलिफ किस्म की, तो एक तो वो है जो उसको यानी उसके साइज को छोटा करती है या बड़ा करती है, दूसरा ये तो उसकी शेप को चेंज करती है. साइज को छोटा बड़ा करे वो हाइड्रोस्टैटिक है, और जो शेप को चेंज करे वो उसका डिविएटर पार्ट स्ट्रेस डिविएटर है. टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज द पार्ट ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी. बाकी कौन सी है? बाकी हाइड्रोस्टैटिक है. That is involved in changing shape as opposed to changing volume. ठीक? जैसे हमने कहा कि वॉन मिसेस क्राइटेरिया इज कंसिडर्ड एज सेफ हेवन फॉर डिजाइनर्स, क्योंकि ये उनको लिवरेज ज्यादा दे देता है, उन्हें अननेसेसरली कंपोनेंट पे वजन ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है. और डिजाइनर्स जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लाइक एरोस्पेस, लाइक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, that is important. How the concept is useful in development of products? Basically hota hi hai ki based on the criteria stress are simulated. Hum unko simulate karte hain mathematically aur uske baad determine karte hain, confirm karte hain ki sabse zyada stress region kaun sa hoga. और उसके बाद ये देखते हैं कि आया वो रीजन जो है वो है विदिन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल या नहीं. वॉन मिसेस क्राइटेरिया वर्क्स फॉर मोस्ट मटेरियल्स, स्पेशली फॉर द डक्टाइल मटेरियल्स. डक्टाइल फेलियर के लिए बेसिकली पॉपुलर क्राइटेरिया. हमने जिक्र किया था डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का. डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी व्हिच इज वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी. Under the stress, material may undergo volume change or shape change or both. तो अगर जब material पे stress लग रही है तो ये होगा कि वो अगर hydrostatic है तो volume change हो जाएगा, volume distortion. और अगर shear या angular distortion हो रहा है, अगर उसके ऊपर shear stresses लग रही है, ठीक? इस केस में volume constant है लेकिन shape बदल गई. तो जो ये थ्योरी है ये कहती है कि शेप चेंज जो है
उसके लिए बेसिक चीज क्या है कि एटम एक दूसरे के ऊपर स्लिप होते हैं, इंटर मोलिकुलर या है हमारे केस में इंटर एटॉमिक स्लिप है बेसिकली, कि एटम्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप होते हैं. Need to supply this energy for shape change. This is the distortion energy. और जब ये एक लिमिट से बढ़ेगी तो क्या होगा, तो मटीरियल फेल होगा. तो ये आज का लेक्चर था, रिलेटिवली ये सिंपल और छोटा. कोई सवाल है बच्चों इस पे आपका?